देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से है। सगड़ी तहसील पर शनिवार को मानपुर विकास खंड बिलरियागंज के दर्जनों की संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने कोटेदार द्वारा राशन नहीं दिए जाने का आरोप लगाया। जमकर प्रदर्शन करते हुए उप जिलाधिकारी सगड़ी को ज्ञापन सौंप कर भ्रष्ट कोटेदार को बर्खास्त करने की मांग किया। ट्रैक्टर, ट्रॉली व अन्य वाहनों से गांव से एकत्र होकर दर्जनों की संख्या में महिलाएं पुरुष तहसील पर पहुंचकर एसडीएम कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन करते हुए कोटेदार पर आरोप लगाया कि कोटेदार गरीबों का राशन 7 महीने से खा रहा है। उसके यहां जाने पर गेट बंद करके अभद्रता कर गाली गलौज और मारपीट पर आमदा हो जाता है और भगा देता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यदि कोटेदार को बर्खास्त नहीं किया गया तो वह लोग सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। ग्रामीणों की शिकायती प्रार्थना पत्र पर तहसील दिवस अधिकारी उप जिलाधिकारी सगड़ी द्वारा 1 सप्ताह में पूर्ति निरीक्षक से जांच करके रिपोर्ट देने को कहा गया। हालांकि ग्रामीण काफी उत्तेजित रहे और आरोप था कि कुछ घरों में स्थिति यह है कि लोग जब प्रतिदिन कमाते हैं और तभी खा पाते हैं, ऐसी स्थिति में लोग भुखमरी के शिकार हो गए हैं। पर ग्रामीणों की गुहार कोटेदार सुनने को तैयार नहीं है, जिस वजह से ग्रामीणों ने उक्त कोटेदार को बर्खास्त करने की मांग की है। इस दौरान शिव बच्चन, राजकुमार, उषा, कमलावती, मालती, सीमा, सुशीला, रीना, फूलमती, पूनम, सविता, राजेश, राजू, विश्राम, शैलेश, विनोद इत्यादि मौजूद रहे। परिचय बताइए भैया अपना। मेरा नाम श्री केस है। कहाँ? ग्राम सभा मानपुर चांदपुर। क्या मामला सगड़ी तहसील पर आया है? हमारा मामला एक है, हमारे गांव का कोटेदार जो है कि राशन नहीं देता है। हमारे राज्य की सरकार जो है कि ये करे, गरीब कोई भूखा नहीं मरना चाहिए। आज 7 महीना 8 महीना हो गया, हमारे गांव की महिलाएं घर की बहन बेटियां जाती हैं तो अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, सब गलत गलत भाषा बोलता है और वो किसी को राशन नहीं देता है। क्या नाम है कोटेदार? शर्मानंद पांडे। ग्राम सभा मानपुर चांदपुर। हम आज आए हैं डीएम साहब को अपना प्रार्थना पत्र देने की, कोटेदार के ऊपर कार्रवाई किया जाए। गांव के सभी लोग हैं? गांव के बहुत से लोग हैं, 60% लोग हैं हमारे साथ। हाँ, क्या मांग कर रहे हैं? मांग हम यही कर रहे हैं कि कोटा बर्खास्त किया जाए। अगर मांग नहीं पूरी होगी तो क्या करेंगे आप? आंदोलन करेंगे, धरने बैठेंगे। दिक्कतें यही है, 7 महीने से हमको कोई, 7-8 महीना हो गया कोई गल्ला नहीं मिला है किसी को। सरकार की योजना है कि कोई गरीब भूखा नहीं मरना चाहिए। 8 महीने 9 महीना हो गया चुनाव से पहले। हमारा जो है कि कोटेदार औरतों को और अदर लोगों को गाली देता है कि तुम हमको वोट नहीं दिए, हमारा ये स्वतंत्र अधिकार है। अभद्रता करते हैं, राशन ही नहीं देते हैं। वोट से कोटे का क्या मतलब? हाँ, वोट से कोटे का यही मतलब है कि वो, हाँ, एक भाई प्रधान है, एक भाई कोटेदार है। ये नियम है, ये लीगल नियम है हमारा कि जो है कि जिसका भाई प्रधान होना चाहिए उसके नाम से कोटा नहीं होना चाहिए। ये लीगल हमारा ये है, फंडामेंटल है कि उसको ये नहीं होना चाहिए। हमारा अधिकार है कि हम डीएम साहब को ये बात बताएं। तो सिर्फ अभद्रता ही करते हैं? अभद्रता नहीं, वो राशन ही नहीं दे रहा 7 महीने से। आप रिकॉर्ड करके चेक करा सकते हैं। 7 महीने से हम इसके पहले 4-5 डीएम साहब को दिए हैं, एप्लीकेशन दिए, हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज हम एडीएम साहब के पास आए हैं अपनी समस्या लेकर के कि जांच किया जाए, अगर सही बात है कोटेदार को निरस्त किया जाए। रीना चौरसिया। कौन सा ग्राम सभा पड़ेगा? चांदपुर। यहाँ पे आप तहसील पे क्या कर रहे हैं? गल्ला नहीं मिलता हम लोग को। अच्छा, कौन सा ग्राम सभा है? चांदपुर मानपुर। कोटेदार 7-8 महीना से कोटेदार से पूछते हैं तो वो बोलता है कि मर्दे के अगर सो के आती हो तो नहाती नहीं हो तो क्या गल्ला दें, बाद में आओ। गाली भी देते हैं, गाली देते हैं, उसका भी भाई बहन बिटिया सोते होते हैं ना, तो खुद गाली देता है। इसकी शिकायत आप लोग कहीं की नहीं? कहाँ, आजमगढ़ गए थे करने के लिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं? आज आप राशन दे रहे हैं? हाँ, नहीं, राशन नहीं मिलता है। मोदी जी तो राशन मिलता है? मिलता है, मगर देते नहीं। आप लोग हमने वहाँ गल्ला नहीं लेने जाएंगे, नहीं जाएंगे, उल्टा सीधा हम लोग सुनने नहीं जाएंगे। क्योंकि बहन बिटिया जाते हैं उनके सामने भी उल्टा सीधा बोलता है।